देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये व्हाइट वाली गाड़ी आपको बहुत मासूम दिख रही होगी, लेकिन ये मासूम नहीं है गाड़ी, खतरनाक परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की। भाई खतरनाक खतरनाक है ये गाड़ी, चला के आओगे ना एक बार आपको फील पता लग जाएगा, आपको लगेगा बस चलाते रहो चलाते रहो। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था इस गाड़ी से, मतलब मैंने दुनिया की गाड़ी के कैमरे देख लिए, अब मैं कैमरे को देख के समझ जाता हूँ किसकी क्वालिटी बेटर है और किसकी ओके है। तो ये बेटर है, खूबसूरती चार चांद लग जाएंगे इस गाड़ी के खुलते ही। अब आप देखना जब इसकी रूफ खुलेगी ना, तो आप खुद ही कहोगे कि वाह वाह क्या कार लाए इरफान भाई, मज़ा आ गया। सपोज़ अगर आपने कन्वर्ट करी हुई गाड़ी, आपको हेडर्स ऊपर करने हैं। वाह अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, दिस इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक। दबाना एक बार दोबारा, ये तो मैंने पहली बार ही देखा है। वाकई यार अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है इरफान और इस टाइम आप देख रहे हैं माय कंट्री माय राइड यूट्यूब चैनल। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा सनी डे है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी में भी हम आपके लिए लेके आए हैं ऑटो बेस्ट एम्पीरियो के स्टॉक से दो बहुत ही बेहतरीन कन्वर्टेबल कार्स। क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जो हमें कहते हैं माय कंट्री माय राइड पे कमेंट सेक्शन में कि इरफान भाई आप कन्वर्टेबल गाड़ियां हमें ज़रूर दिखाएं, हमारा ड्रीम है कन्वर्टेबल गाड़ियां ख़रीदना। तो आज हम आपके लिए एक नहीं दो लेके आए हैं, एक ब्लैक कलर में और एक वाइट कलर में, दो कन्वर्टेबल कार हैं, सेम ब्रांड की हैं, मर्सिडीज़। उन दोनों गाड़ियों की पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पता लग सके कि क्या कंडीशन है गाड़ी की और किस प्राइस रेंज में गाड़ी अवेलेबल है ऑटो बेस्ट एम्पीरियो पे। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और देखेंगे दोनों गाड़ियों की सबसे पहले खूबसूरत तस्वीरें और उसके बाद डिटेल एक्सप्लोर करेंगे। हाँ जी दोस्तों, जब आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्टेबल गाड़ी के एपिसोड में। आज हम लोग हैं, जैसे कि आप देखते हैं नमन साथ में, तो आज हम लोग आए हुए हैं ऑटो बेस्ट एम्पीरियो। तो नमन हाउ आर यू? वेरी वेल, आप बताओ कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, मौसम का वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सर्दियाँ आएँ और इन कन्वर्टेबल गाड़ी को जो फील है वो डबल ट्रिपल हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि वैसे तो सर्दियों की ज़रूरत नहीं है आपको, शाम को भी जैसे मौसम अच्छा होता है या फिर कभी वीकेंड्स पे भी जैसे अगर मौसम अच्छा है तो ये गाड़ियाँ वैसी हैं। सिर्फ यही नहीं, आप इनको कन्वर्टेबल यूज़ करना है, बट एज अगर आप कहें स्पोर्ट्स कार, और अगर हम आज की गाड़ियों की बात करें तो आपके लिए गाड़ियाँ ही हम ऐसी लेकर आए हैं कि सिर्फ ये उसी के लिए यूज़ के लिए नहीं है स्पोर्ट्स या कन्वर्टेबल की। नॉर्मली अगर आपकी कोई फैमिली है, आप फैमिली कार मतलब अगर छोटी नॉर्मल फैमिली है आपको जाना है इसमें, तो आप इजीली इसमें जा सकते हैं। अगर गाड़ी की हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, स्पेस की, पीछे इसके लेग रूम की, हेड रूम की, कन्वर्ट करे बिना भी आप इसमें इजीली पीछे बैठ सकते हैं। मतलब गाड़ियाँ ये दोनों इतनी कंफर्टेबल, फोर सीटर है दोनों गाड़ियाँ, फोर सीटर है, पीछे चाइल्ड सीट्स कहते हैं, बट स्टिल पीछे स्पेस अच्छा होता है, मतलब आप इजीली बैठ सकते हैं वहाँ पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए वो मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा। देखो हमने आपको ऑटो बेस्ट एम्पीरियो की लगभग सारी ही कन्वर्टेबल गाड़ी दिखा रखी हैं, जैसे कि हमने मिनी कन्वर्टेबल भी दिखाई हुई हैं, मर्सिडीज दिखाई हैं, देन उसके बाद आई थिंक BMW Z4 भी दिखाई हुई है, Z4 भी दिखाई हुई है, मतलब तो काफ़ी सारी जो ऑलमोस्ट सारी कन्वर्टेबल्स आती हैं। कन्वर्टेबल्स क्या है, मतलब काफ़ी लोगों की डिमांड में रहती है गाड़ी, काफ़ी लोगों की चॉइस होती है, क्योंकि अगर सबके पास नॉर्मल गाड़ियां हैं तो कन्वर्टेबल एक सोचते हैं कि एक वीकेंड कार होनी चाहिए, तो वैसी ये दोनों गाड़ियां हैं। चाहे आप इनको वीकेंड के लिए यूज़ करें, नॉर्मली यूज़ करें, दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल परफेक्ट यूज़ के लिए। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये व्हाइट वाली गाड़ी आपको बहुत मासूम दिख रही होगी, लेकिन ये मासूम नहीं है गाड़ी, खतरनाक परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की। बिल्कुल, अभी मैं चला के आया हूँ, सबसे पहले यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो नमन सबसे पहले
क्या मुझे काफी सारी चीजें इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगती हैं, तो ये कौन सी गाड़ी नाम से शुरुआत करो? सो दिस इज मर्सिडीज बेंज E400 कैब्रियोलेट कन्वर्टेबल जिसे हम कहते हैं। सो दिस इज 2015 मैन्युफैक्चरिंग 16 रजिस्टर्ड कार एंड व्हाइट कलर की गाड़ी है। इसमें आप अलॉय व्हील्स देखोगे जो कि आफ्टर मार्केट है, जो कि चेंज है, ब्लैक कलर में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ गाड़ी में हमें जो मिलता है वो होता है 3000cc इंजन जो कि V6 इंजन होता है 6 सिलेंडर का। एंड गाड़ी हम शेप देखेंगे ना, मतलब एक गाड़ी जैसे कन्वर्टेबल तो हमें पता चली जाती है उसकी लुक देख के। इसके साथ साथ गाड़ी में जो एक स्पोर्टी फील है ना गाड़ी में वो आता है बहुत ज्यादा। इसके अगर हम ग्रिल की बात करें, आपने ग्रिल भी नोटिस करी होगी, जो इसका बीच में BMW का लोगो है उसमें साइड में भी बिल्कुल कवर्ड है, प्रॉपर एक अच्छी ग्रिल बनी हुई है। एंड साथ में लैम्प्स इसके जो है LED इंटेलिजेंट लैम्प्स है इसके, बहुत अमेजिंग गाड़ी है भाई। एक बात बिल्कुल ठीक कही, इस गाड़ी की जो शेप है ना वो वाकई बड़ी काबिले तारीफ है। मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है ये गाड़ी, कहीं आपको लगेगी बहुत बड़ी जाइंट आपने गाड़ी ले रखी है, बहुत सही है। मतलब साइज वाइज भी सही है, चलाने वाइज भी सही है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी, क्योंकि मैं एक ऐसे स्लोप से भी इसको लेके आया था। बिल्कुल, इसको प्रैक्टिकल क्यों कहा मैंने, जो आपने एक पॉइंट बोला ग्राउंड क्लियरेंस का, दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत परफेक्ट है। मतलब आपको अगर अप्रॉक्सीमेटली आप कंपेयर भी करोगे 115-16 के अप्रॉक्स इसकी ग्राउंड क्लियरेंस होगी। एंड अगर इसमें हम बात करें पीछे स्पेस की, कई गाड़ियाँ होती है 2-सीटर कन्वर्टेबल्स, उसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता पीछे बैठने का, उसमें सिर्फ 2 ही बैठ सकते हैं। हाँ जी, अगर इसमें चांस है पीछे बैठने का, मतलब जैसे कि अगर कोई एक्स्ट्रा है भी तो पीछे आप स्पेस उसको जनरेट करके बैठा सकते हैं। अब पीछे जो बूट है, ये अगर आप कोई बंदा कन्फ्यूज हो रहा हो तो ये क्या है, सो दिस इज एंटीना फॉर FM, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई छत पे कैसे लगाएंगे एंटीना, अगर छत खुल गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो की नॉर्मल है जो मर्सिडीज की आती है। बूट मैं आपको दिखा रहा हूँ, बूट एज सच कुछ मतलब ठीक ठाक है। अभी हमें ऐसा पता लग, थोड़ा सा अगर हम कैमरा नीचे करके देखेंगे तो नीचे भी हमें आगे स्पेस मिल रहा है, गहराई ज़्यादा है। बिल्कुल, तो बंद करते हैं इसे। चलिए, इसके साथ साथ पीछे एक और लोडिंग आपको दिखेगी जो कि है एग्जॉस्ट की, जिसपे उस पर नाम भी लिखा हुआ है एग्जॉस्ट कौन सा हमारा, एक्रापोविक। भाई खतरनाक खतरनाक है ये गाड़ी, चला के आओगे ना एक बार आपको फील पता लग जाएगा, आपको लगेगा बस चलाते रहो चलाते रहो, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था इस गाड़ी से। जैसे कि हमने एक एग्जॉस्ट देखे AMG के, जिसका हम अगर गाड़ी चलाते हैं फ्लाईवे पे तो हमें आवाज़ आती है खटक, बट ये वाले एग्जॉस्ट ऐसे मैं भी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ और फिर आप इसकी आवाज़ देखें। स्पोर्ट्स पे करना इसे तो आप सुनना भी आवाज़, ठीक है, इसकी गुर्राहट जो है ना, कैसे ये शेर जो है वो गुर्राता है, अभी देखना आप। अभी नहीं आई शायद, अभी स्पोर्ट्स पे कर देते हैं। दो मोड है, इको मोड है इसके अंदर, देन यू हैव स्पोर्ट्स मोड, दिस इज इको स्पोर्ट्स, ठीक है। बस 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 भैया चलाने का मन हो जाएगा वरना तो। सुना आपने, सो दीज आर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, 3 लीटर V6 इंजन के साथ। अगर आपको एग्जॉस्ट लग जाए गाड़ी के अंदर तबाही है भाई, तबाही। ये तो अच्छा खड़ी गाड़ी में फिर भी इतनी ज़्यादा लाउड नहीं आती, बिल्कुल, पर जब फ्लाई बाय होता है तो बहुत अमेजिंग आवाज़ होती है इसकी, मतलब क्रैकलिंग साउंड भी आती है और प्रॉपर एग्जॉस्ट साउंड मिलती है आपको। लेट्स सी कि अंदर कैसी है ये गाड़ी अंदर से, और अंदर से जैसा कि आप देख ही सकते हैं ये कन्वर्टेबल गाड़ी है, तो 2 डोर हैं, फ्रेमलेस डोर इसके अंदर, वो नेचुरल सी बात है, वो आने ही आने हैं। देन जो पीछे का स्पेस है वो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए पीछे बकायदा आपको आर्मरेस्ट भी दिखता है, अगर आप देखेंगे ना तो पीछे आपको आर्मरेस्ट है, आपके इलेक्ट्रॉनिक सीट है, आपने जैसे इसको पुश करा तो इजीली आगे चली गई। सही बात है, अब मैं पीछे जाता हूँ एक बार और पीछे से एक बार बैठ के आपको दिखाता हूँ। सो ये मैं बैठा हूँ, अच्छा पीछे आर्मरेस्ट आपको हर गाड़ी में नहीं मिलता, बट इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है। देन उसके साथ साथ ख्याल रखा गया कप होल्डर भी दे दिए गए हैं कि बच्चे जो अगर पीछे बैठे तो अपना इन्जॉय करते रहें। तो वही नमन ने जो बात बोली कि ये जो है, अगर मैं जैसे इसको पीछे करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिकली ही ये ऑटोमेटिकली पीछे आ रही है। अब जैसे मुझे इस गाड़ी से बाहर उतरना है तो कैसे उतरूँगा, मैं इसको ऐसे करूँगा आगे और ये छोड़ दूँगा, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली ही वो एडजस्ट हो जाएगी, आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी उतरने के अंदर। तो जैसे मैं उतर जाता हूँ इसके अंदर और अब दोबारा से इसके अंदर मैं बैठता हूँ आगे वाली सीट पर, तो पीछे कर देता हूँ। तो नमन प्लीज़ स्टार्ट करिए इसे। तो इधर अगर आप डोर में देखोगे तो आपको यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स हैं, देन उसके बाद मेमोरी सीट्स, 360 कैमरा भी है इसके अंदर। जी बिल्कुल, 360 कैमरा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग मिलता है इसमें हमें जो कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक होता है, जिसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इससे 360 कैमरा, बट इसके अंदर है, अच्छी बात है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम स्पोर्ट्स मोड देखेंगे, यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड हमें दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट है। एंड यहाँ से हमारा ये जो डायल है इससे हम अपना पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, जो स्क्रीन है सेंटर स्क्रीन इसका। एक बार आपको रिवर्स कैमरा दिखाऊंगा, 360 कैमरा,
सी। तो क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी इसमें हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है। मतलब अगर हम गाड़ी की अगर शेप भी देखें, साइड में हमें क्लियरेंस भी देखें कितनी है, बहुत अमेजिंग है। मतलब मैंने दुनिया की गाड़ी के कैमरे देख लिए, अब मैं कैमरे को देख के समझ जाता हूँ किसकी क्वालिटी बेटर है और किसकी ओके है। तो ये बेटर है, ओके नहीं है ये बिल्कुल। तो इसमें इंटीरियर की बात करें, ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जो कि सीट्स हैं और जो डोर में आपको थोड़ी जगह फिनिश मिल रही है ब्राउन फिनिश मिलेगी। साथ में इसके डैशबोर्ड की अगर हम क्वालिटी की बात करें, हम यहाँ पे स्टिचिंग्स भी देखोगे ना, इवन बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में। अभी मतलब ऐसा लगेगा नहीं आपको गाड़ी ले जाने के बाद कि यू आर बाइंग अ सेकंड हैंड कार। लेट्स ओपन इट। तो ये है यहाँ पे आपको बटन दिखता है इसको कंट्रोल करने का, ठीक है। अब छत देखना, एक मैं गेट बंद कर दूँ। अब आप देखिए कैसे कन्वर्ट होगी, खूबसूरती चार चांद लग जाएंगे इस गाड़ी के खुलते ही। अब आप देखना, जब इसकी रूफ खुलेगी ना तो आप खुद ही कहोगे कि वाह वाह क्या कार लाए इरफान भाई, मज़ा आ गया। अच्छा, छत जैसे इसकी खुलती है ना, अगर आजू बाजू कोई लोग हों तो वो समझ जाते हैं कि भाई गेम होने वाली है और बंदा मतलब ख़तरनाक ही होगा जो गाड़ी चला रहा होगा। अब बात करते हैं इसकी डील की, कि क्या डील है। तो ऑटो पैशन ब्यूरो पे क्या डील मिल सकती है हमें इसकी? डील बताने का मतलब तभी आएगा जब प्रॉपर फीचर्स इसके डिस्क्लोज होंगे। अभी हमने जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग बताया, तो यहाँ पर आप कुछ बटन्स देख रहे हो जिसके ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, ये पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ का बटन है, इको मोड का, पार्किंग इसकी लाइट्स का, एंड ये दो फीचर्स जो हैं, जैसे कि अभी आप मेरी बेल्ट देख रहे हो यहाँ पे, मतलब ये नॉर्मली यहाँ तक आई हुई है। सपोज मैं इसको डोर ओपन करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉनिकली पीछे जाएगी। हाँ, क्योंकि इतना पीछे से बंदा खींच नहीं सकता ना। एग्जैक्टली। और अगर मैं इसको बंद करूँगा ये इलेक्ट्रॉनिकली आगे आ जाएगी। करेक्ट। यही फीचर है, अगर ये पहले से ही पीछे है, गाड़ी आप जब लॉक कर देते हैं पीछे हो जाती है, आपको अगर बेल्ट आगे करनी है तो आप ये बटन प्रेस करेंगे, इस पे एरो भी बना हुआ है, बेल्ट आपकी आगे आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली। और जो इसके साथ साथ पीछे यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है हेडरेस्ट एंड जो पीछे हमारी नेट लगी हुई है इसके लिए। सपोज अगर आपने कन्वर्ट करी हुई गाड़ी, आपको हेडरेस्ट ऊपर करने हैं। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। दिस इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक। दबाना एक बार दोबारा, ये तो मैंने पहली बार ही देखा है वाकई यार। तो ये सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। गुड फीचर है। देखते हैं क्या प्राइस है, प्राइस दीजिए। तो गाड़ी जो है हमारी 2015 मैन्युफैक्चरिंग 17 रजिस्टर्ड कार है, एंड अगर इसकी हम बात करें किलोमीटर्स की, द कार हैज ओनली डन 33,000 किलोमीटर्स। मतलब मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चली है। इट इज़ अ कन्वर्टेबल कार, वेरी गुड कार टू ड्राइव। 3000 cc इंजन है गाड़ी का, V6 इंजन है, एंड गाड़ी की हम जो आस्किंग कर रहे हैं वो है 44,75,000 ओनली। नेगोशिएबल, थोड़ी बहुत नेगोशिएशन पॉसिबल है। जब भी आप गाड़ी फाइनल करेंगे, जो बेस्ट रिगार्ड पॉसिबल होगा, वील ट्राई टू डू दैट। नंबर बता दो, किस नंबर पर? नंबर जो हमारा है जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो है 8885-8886। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट या फिर इंस्टाग्राम पेज पर भी हमारी सारी गाड़ियाँ देख सकते हैं जो कि करंटली अपडेट होती रहती है। अब हम आ चुके हैं ब्लैक ब्यूटी के पास। ये एक ब्लैक कन्वर्टेबल कार है, इसका नाम है C300 कैबरियोलेट। वो 400 थी जी, ये 300 है। अब दोनों में आपने देखा होगा जैसे E400 है तो वो E क्लास सिंबलाइज कर रही है, C300 है तो ये C क्लास सिंबलाइज कर रही है। कितने लीटर इंजन है? दिस इज 2 लीटर इंजन, 2000 cc जो होता है, एंड 4 सिलेंडर इंजन है इसका। उसका 6 सिलेंडर था V6। दोनों ये डिफरेंस है, दोनों पेट्रोल है, बिकॉज दोनों ही पेट्रोल है क्योंकि दोनों ही कन्वर्टेबल गाड़ियां हैं। ऑल AMGs पेट्रोल एंड कन्वर्टेबल्स आर पेट्रोल स्पोर्ट्स कार। बट गलत कह रहे हो आप, ये मैं आज आपको गलत कर दूंगा। मुझे पता है आप किस लिए कह रहे हो, भैया ने मुझे बताई थी वो गाड़ी। बिल्कुल, मतलब मैंने भी नहीं सुना था वैसे, वो डीजल में आएगी। अगर सुना तो सिर्फ वही गाड़ी है डीजल में, वो 330D जी। हाँ, BMW 330D कन्वर्टेबल आती है, जो कि अभी तक मैंने इकलौती डीजल कार देखी है। बाकी आप कॉमेंट्स में बता देना कि और कौन सी आती है। वो भी सनी भैया ने बताया था मुझे कि वो आती है एक डीजल में। अब बात करते हैं इस गाड़ी की। तो इस गाड़ी की जो लंबाई है, 400 से 300 की लंबाई में ज़्यादा मेरे को लगता नहीं, बिल्कुल सेम है दोनों की, ऑलमोस्ट सेम कहेंगे। अब इसके फीचर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये कैसी है गाड़ी फिर? गाड़ी जो है ये वाली थोड़ी रीसेंट मॉडल है, जैसे कि वो थी 15-16, दिस इज 17 मॉडल 2017। ब्लैक विद रेड टॉप है, मतलब रेड टॉप इसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, जैसे उसका ब्राउन टॉप था इसका रेड टॉप है। हाँ जी। एंड इसके हम अलॉय व्हील्स देखेंगे तो वो जो हमें सी क्लास में मिलते हैं वो वाले सी क्लास वाले अलॉय व्हील्स हैं, क्योंकि ये पहले वाली शेप में थे जो कि 2017 में आती थी। इसके जैसे वो उसके अंदर काफ़ी सारी लोडिंग है, आफ्टर मार्केट है इसके अंदर कुछ ऐसे? इसमें आफ्टर मार्केट लोडिंग्स नहीं है, बट यस इसमें फीचर्स उसमें से ज़्यादा मिलेंगे हमें, जो कि अभी हम अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो बूट में इतना ज़्यादा हमें कोई स्पेस नहीं मिलता क्योंकि पीछे आप देख सकते हो स्पेयर व्हील गिवन है। साइड में बहुत थोड़ा सा स्पेस है जिसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ अ कन्वर्टेबल कार, तो शायद कंपनी ने भी सोच के नहीं दिया कि ज़्यादा इसमें नीड नहीं होती। सही कह रहे हैं आप। अब इसे हम कर देते हैं बंद और आपको दिखाते हैं अंदर से। आप देखते हैं अंदर से, ये देखिए जो इसका इंटीरियर है ना, वो वाकई जैसे मैंने आपको उसके अंदर दिखाया था ना, बिल्कुल सेम है। इसके अंदर कोई एज सच कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं इसको आगे करूँगा तो ये इलेक्ट्रॉनिकली ही आगे जाएगी। ये चीज़ बहुत अच्छी है मर्सिडीज़ की, कि पीछे वाले पैसेंजर को अगर उतरना है या फिर चढ़ना है उसके अंदर तो ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब इसे पीछे करता हूँ तो नमन प्लीज़ बैठिए पीछे वाली सीट पर, तो हम बैठ के दिखा ही चुके हैं।
कॉम्बिनेशन आउटस्टैंडिंग भाई, 10 में से 10 नंबर दोगे आप इस गाड़ी को इंटीरियर के मामले में, क्योंकि मर्सिडीज का जो इंटीरियर होता है ना, माइंड ब्लोइंग, स्पेशली रीसेंट। इतना ज़्यादा ये प्रीमियम फील देता है, आपको कहीं से लगेगा नहीं कि आप स्पोर्ट्स कार, क्योंकि स्पोर्ट्स कार में क्या होता है, या फिर कोई कन्वर्टेबल की भी बात करें, जैसे उसमें कई चीज़ें मैनुअल होती हैं, करेक्ट, बट इसमें एक एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, वो भी क्या हेडरेस्ट भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल रहा है इसमें, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो, पीछे देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे डोर्स पे और बीच में वुडन फिनिश मिल रहा है, या पूरा अगर देखोगे मतलब इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक दे रहा है ना इंटीरियर को, कि मतलब गाड़ी में बैठ के उसके बाद दिल कर जाए गाड़ी लेने का, मज़ा आ गया। देखो मैंने एसी के जो ब्लोर हैं उसको भी तेज कर दिया, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब इसके थोड़े से नीचे कर दो ना बात नहीं हो पाएगी। साथ के साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग भी मिलता है, जैसे कि हमने उस गाड़ी में भी देखा था, जो कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, ईजिली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बर्मस्टर का ऑडियो सिस्टम मिलता है हमें उस गाड़ी में, जो मिल रहा था वो था हार्मन कार्डन का, एंड इसमें हमें मिल रहा है बर्मस्टर ऑडियो, जो कि बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है। साथ में ये डायल मिल रहा है जिससे आप अपनी स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम स्क्रॉलर्स हैं यहाँ पर, हमारे मोड जो होते हैं उसके स्क्रॉल करने के ऑप्शन हैं, स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट कम्फर्ट, ईको, मतलब ये सारे मोड आपको मिल रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके जो नॉर्मली कंट्रोल्स हैं वो मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है इसको कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हम एक बार आपको कन्वर्ट करके इसको दिखाते हैं। यही तो मज़ा है इसका, लोग इसे खरीदते क्यों हैं, इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इसके अंदर ये ऑप्शन है कन्वर्ट करने का। अब आप देखिए, मतलब शक्ल बदल जाती है गाड़ी की। अगर मैं गुजारिश करूँगा मिस्टर वैसे थोड़ा दूर जाएं, तो आपको पता लगेगा कि देखिए, अब आप शेप देखिए गाड़ी की, हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इसकी लुक आ जाती है, एंड गाड़ी की जो फील, जो जेन्युइन फील है ना, वो इसमें है। बिल्कुल ठीक है, अब देखते हैं कि जेन्युइन पैसे कितने हैं इसके, बट उससे पहले थोड़े से फीचर समझ लेते हैं, क्योंकि फीचर इसमें भी बहुत हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपको इसमें मैंने बताया बर्मस्टर ऑडियो मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक हमें स्टेयरिंग मिलता है, साथ के साथ इसमें हमें रिवर्स कैमरा मिलता है, एंड कन्वर्टेबल गाड़ी हमारी वैसे भी है ये। उसके साथ साथ ये सीट्स भी इलेक्ट्रॉनिकली आप आगे पीछे उसको कर सकते हैं, सपोज आप अगर पीछे जाना चाह रहे हैं तो साइड से आप पुल करके इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, देन वी हैव मोड्स ऑप्शन हेयर, जहाँ से आप देख सकते हैं, मैं क्लिक करूँगा तो आपको दिखेगा वहाँ पे, और इधर भी दिखेगा, ठीक है, या इको पे चला सकते हैं आप, कम्फर्ट पे, और स्पोर्ट्स पे, स्पोर्ट्स प्लस पे, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। ये सारा वुडन मैट फिनिश में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बट कॉम्बिनेशन लिटरली माइंड ब्लोइंग है भाई। देखते हैं कितने माइंड ब्लोइंग पैसे होते हैं इसके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आपको क्या लगता है क्या पैसे होंगे, आप कमेंट्स में बताइए पॉज करके इस वीडियो को। लेकिन अभी नमन भाई बताएंगे इसके पैसे। नमन भाई, 2017 मॉडल है ये कार, चली हुई। तो दिस इज 2017 मॉडल मर्सिडीज बेंज C300 एंड दिस हैज ओनली डन 15,000 किलोमीटर्स। ओके, मतलब अगर हम कहाँ से लाते हो करेंगे, इट हैज ओनली डन 15। गाड़ियाँ ये बस ढूंढनी पड़ती हैं, मेहनत करते हैं, मेहनतों से लाते हैं। बिल्कुल, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए मेहनत करते हैं, ताकि उनको लेस ड्रिवन गाड़ियाँ मिले, वो आगे जब चलाएं तो उनको नई जैसी फील आए।